हेलो एवरीवन, आपका मोस्ट वेलकम यार यूनिफॉर्म स्टडी पर। तो आज मैं बात करूंगा जयपुर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं उनके बारे में, आपको बताऊंगा, थोड़ा शॉर्ट रिव्यू दूंगा उनके बारे में, क्योंकि मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया हमें उन यूनिवर्सिटीज के बारे में बताएं जो जयपुर में है, वो अच्छी भी है नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले बहुत ज्यादा वीडियोस डाल रखी थी जयपुर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उन सभी को मैंने कवर कर रखा था, तो उनसे रिलेटेड ही मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि कंपैरिजन में कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है। तो मैं यार उनका वन बाय वन करके उनका नाम बताने वाला हूँ, ठीक है, और उनका कैंपस एरिया कैसा है और उनका पैकेज कैसा है, ठीक है, वो भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा, पर उनका फुल डिटेल रिव्यू नहीं दूंगा आपको, क्योंकि उनका ऑलरेडी मैंने चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको वो देख लेना है, जयपुर जितने भी मैंने उसमें डाल रखा है टॉप यूनिवर्सिटीज इन राजस्थान, तो उसमें जाओगे तो आपको जयपुर की यूनिवर्सिटीज दिख जाएंगी, तो आपको वहां पर जाकर देख लेना है, ठीक है। और ये स्पेशल वीडियो सिर्फ जयपुर की है, जैसे कि जयपुर में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है ना उनके बारे में ही मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो बाहर की यूनिवर्सिटीज इसमें एक भी नहीं आएंगी, जैसे जयपुर के जो जयपुर में ही है उनके बारे में ही अपन इसमें बात करेंगे। तो जयपुर में आपको लगभग मिल जाएंगी 7 से 8 यूनिवर्सिटीज जो टॉप की यूनिवर्सिटीज आती हैं, तो अगर आप उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उनमें आराम से एडमिशन ले सकते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो, ठीक है, तो उनमें आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा अगर आप बाहर से आते हैं, और अगर आप राजस्थान के हैं तो आपको तो मिल ही जाना है फिर, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपका ऐसे एडमिशन होता है आपकी मतलब जेई मेन वगैरह चाहिए या ऐसा कुछ चाहिए नहीं, आपको वैसे डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है कई बार, तो आपको पहले ट्राई कर लेना उसमें। और मैं तो ये बोलना चाहूंगा अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो सबसे पहले आपको विजिट करना है उस यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। आप विजिट करके उस यूनिवर्सिटी को पूरा एनालाइज करो, खुद देखो कि कैसा माहौल है वहां का और कैसा आपका मतलब आप यहाँ पर रह भी पाओगे या नहीं रह पाओगे, क्योंकि काफी बच्चे मैंने देखे यार कि यूनिवर्सिटीज में पहले किसी का रिव्यू सुनकर चले जाते हैं और बाद में वो छोड़ के भी आ जाते हैं क्योंकि उनको पसंद नहीं आती। तो इसलिए सबसे पहले क्या है कि आपको ना जो भी है ना उसको पहले विजिट करके आओ यूनिवर्सिटी को, जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसमें, क्या पता आपको वो पसंद आ जाए पहले या फिर आपको जाने के बाद वो आपको ना पसंद आए, तो ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि आप एक बार उनका विजिट जरूर करना जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहो। तो यार अब आपका भाई आपके लिए इतनी वीडियो बना रहा है, आपके लिए इतनी मेहनत करता है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है, और अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट भी कर देना, और एक बार लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लेना आपके लिए कुछ क्या पता अच्छा न्यूज हो वहां पर। तो चलिए अब अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन वन बाय वन करके यूनिवर्सिटीज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो बात करेंगे अपन, वो तो आपको पता है कि राजस्थान वालों के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी है सबसे टॉप पे, उसको तो सब जानते ही होंगे, तो उसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे। जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जयपुर में आने के बाद बच्चे क्या प्रेफर करते हैं, सबसे पहले प्रेफर करते हैं सुबोध कॉलेज को, ठीक है। सुबोध कॉलेज के बारे में तो आप जयपुर में एंटर मारोगे तो आपको किसी से भी पूछ लेना सुबोध कॉलेज, तो वहां पर आपको पता लग जाएगा, ये अपने रामबाग में है जयपुर में, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ऑटोनोमस कॉलेज है, एफिलिएशन भी रखती है राजस्थान यूनिवर्सिटी से और खुद की भी ऑटोनोमस है, ठीक है, तो आप उसमें विजिट करके देख सकते हो, आपको उसमें एडमिशन हो जाना है। सेकंड नंबर पर अपन बात करें तो सेकंड नंबर पर अपने जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जिनको गिना जाता है वो सबसे दूसरे नंबर पर आती है JECRC यूनिवर्सिटी, ठीक है। JECRC को आप सभी नहीं जानते होंगे, अगर आप जयपुर के रहने वाले हो या थोड़ा सा आपने रिसर्च किया कॉलेज फील्ड में तो आप JECRC को जानते होंगे, अदरवाइज आप नहीं जानेंगे JECRC को, ठीक है। JECRC काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग के लिए और काफी कोर्सेज के लिए, ठीक है, उसमें आपका एडमिशन हो जाता है, JEE मेन के थ्रू आपका एडमिशन होता है और अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी आपके लेती है, पर अगर आप उसमें विजिट करते हो तो आपका डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है कई कई बार, ठीक है, तो आप उसको विजिट करके देखना, काफी अच्छा कैंपस उसका, मैंने विजिट किया JECRC को। और उसके बाद अपने जो थर्ड नंबर पे आती है उसके बारे में अपन बात करेंगे JNU, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी। JNU का काफी नाम होता है जयपुर में, JNU बहुत चलता है यार, ठीक है। JNU आप दिल्ली वाली मत समझ लेना, जवाहरलाल नेहरू, वो नहीं है, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसका मतलब ये मेडिकल भी करवाती है और इसमें आपको MBBS वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, इसका हॉस्पिटल भी है और क्या बोलते हैं इसमें आपको काफी सारे कोर्सेज, इंजीनियरिंग कोर्सेज, BSc, BCom, MBA सब कोर्सेज आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं JNU के अंदर। तो मैं बोलूंगा आप इसमें एडमिशन लेने से पहले आप इसमें भी एक बार विजिट जरूर करना JNU में, काफी अच्छा इसका कैंपस है, तो आप एक बार विजिट करके देखोगे तो आपको पता लग जाना है कि कैसी यूनिवर्सिटी है। अपना सबसे मेन मोटो क्या है कि आप अगर आप आउटसाइड से कहीं से आते हो, कोई आ रहा है भाई तमिलनाडु से, ठीक है, अब वो जयपुर आके सिर्फ यूनिवर्सिटी विजिट करे तो वो तो मत आना यार, ठीक है। आप आसपास के हो, मतलब 100-200 किलोमीटर के एरिया के हो तो आप आराम से इसको विजिट कर सकते हो, इतना तो आप चल के आ ही सकते हो क्योंकि आपको यहाँ पर 3 साल बितानी है, ठीक है, तो आप यहाँ पर आ जाना है आपको और एक बार यूनिवर्सिटी देखना है, अपनी फीस वगैरह जो भी है वो यहाँ पर डिस्कस कर लेना है, प्लेसमेंट वगैरह के बारे में सारी बातें डिस्कस कर लेना है। और फोर्थ नंबर पर अपन बात करें तो फोर्थ नंबर पर अपन चूज करूंगा मैं यार VGU VIT, विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी को, ठीक है। ये जयपुर के अंदर ही है और काफी अच्छा इसका कैंपस है, आपको यहाँ पर भी अच्छा मतलब कैंपस देखने को मिल जाएगा क्योंकि काफी बच्चे क्या होते हैं सिर्फ कैंपस को लेकर आते हैं कि यार हमको बस कैंपस अच्छा मिल जाए, हम मौज मस्ती कर लेंगे कैंपस के अंदर, और काफी होते हैं यार प्लेसमेंट हमको अच्छा मिल जाए, कि हमको अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा तो अच्छा पैकेज भी लग जाना है,
तो उसके लिए यार काफी कैंपस के लिए आते हैं, तो कैंपस के लिए आप अगर आ रहे हो तो इस यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करना, आपके लिए क्या फायदेमंद हो जाए। ठीक है, कैंपस इसका काफी अच्छा है यूनिवर्सिटी का, और मैंने इसको भी विजिट किया है। मैं यहाँ से ही बिलोंग करता हूँ, पास से ही, तो मैंने इसको विजिट किया है। मैंने देखा यार यूनिवर्सिटी को काफी अच्छा है, आप यहाँ पर आकर एक बार विजिट करो, अपनी फीस वगैरह डिटेल सारी पूछ लेना है, यहाँ से आपका पैकेज वगैरह क्या लगना है वो पूछ लेना है, और बिना विजिट करे बिना देखे अगर आप आसपास के तो एडमिशन नहीं लेना है। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी में, इसके बाद नहीं किसी में भी आप आओ, आपको पसंद आए तो ही लेना है, वरना आउटसाइड जयपुर भी काफी सारी यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे जो स्पेशली मैं ये यूनिवर्सिटी चूज करूंगा गर्ल्स के लिए, क्योंकि बनी गर्ल्स के लिए है तो गर्ल्स के लिए चूज करनी पड़ेगी, तो फोर्थ नंबर पे मैं चूज करूंगा बनस्थली विद्यापीठ को। ठीक है, वो भी जयपुर के अंदर ही आती है, वो स्पेशली सिर्फ गर्ल्स के लिए, इसमें बॉयज अलाउड नहीं है, तो आपको उसमें जो एडमिशन होता है वो एंट्रेंस के टेस्ट के थ्रू होता है आपका एडमिशन, अगर आपने उसका फॉर्म फिलअप किया है तो आप उसका एंट्रेंस दे सकते हो और आप उसमें एडमिशन ले सकते हो, ओनली फॉर गर्ल्स है, इसको ध्यान से सुन लेना है, मेरे पास कोई कमेंट ना करे यार इससे रिलेटेड कोई भी लड़का कि बनस्थली में कैसे एडमिशन होता है, तो सिर्फ ये गर्ल्स के लिए ही है, इसमें सिर्फ गर्ल्स का ही एडमिशन होता है, और यहाँ पर काफी सारे अच्छा मतलब इसका कैंपस है और अच्छा यहाँ से प्लेसमेंट लग जाता है गर्ल्स का। ठीक है, हमने काफी सारे एलुमनाई, आप गूगल पर सर्च करोगे बनस्थली विद्यापीठ को तो आपको एलुमनाई भी दिख जाएंगे काफी ज्यादा। ठीक है, तो ये हो गई, इसके बाद अपन बात करने वाले सेंट विल्फर्ड कॉलेज की। ठीक है, ये लगता तो एफिलिएशन राजस्थान यूनिवर्सिटी से है, पर मैंने जयपुर में इसका नाम काफी सुना है यार, सेंट विल्फर्ड कॉलेज का। ठीक है, छोटा सा कैंपस है इसका, और पर नाम इसका काफी चलता है कि आप आओ तो एक बार इसको भी विजिट कर लेना, सेंट विल्फर्ड कॉलेज को। ठीक है, और उसके बारे में उसके बाद अपन बात करें तो उसके बाद यूनिवर्सिटी आती है पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, तो पूर्णिमा यूनिवर्सिटी भी काफी अच्छी है। जब जेईसीआरसी विजिट करने जाओ आप, तो जेईसीआरसी से पहले ही पूर्णिमा आती है, तो आप एक बार पूर्णिमा को भी देख लेना। ठीक है, दोनों का आमने सामने गेट है, तो आप उसमें भी जा सकते हो पूर्णिमा को विजिट करने के लिए। और क्या बोलते हैं, उसके बाद अपन बात करेंगे सुरेश ज्ञान विहारी यूनिवर्सिटी। सुरेश ज्ञान विहारी यूनिवर्सिटी भी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी बताई जाती है, वो भी अपने जयपुर के अंदर ही है, तो जब आप वीआईटी विजिट करने आओ तो उसको भी विजिट कर लेना, वीजीयू को, जैसे कि आप वीजीयू विजिट करने आओगे तो सुरेश ज्ञान विहार को विजिट कर लेना, क्योंकि दोनों एक ही रोड पर पड़ने वाली है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे, तो यार देखो मैंने इन सभी यूनिवर्सिटीज को विजिट कर रखा है, इसलिए मैंने सोचा कि यार आपके साथ भी मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कर दूं कि कैसे आपको इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लोगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, या सिर्फ आपको टाइम पास करने के लिए आप आओ इतनी दूर से चलकर, क्योंकि इसमें यार क्या होता है जयपुर में आउटसाइड बच्चे काफी ज्यादा आते हैं। ठीक है, क्योंकि जयपुर में यार आपको पता है कि पढ़ाई का माहौल थोड़ा अच्छा बन जाता है कॉलेज वगैरह के अंदर, तो आउटसाइड स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं और बहुत ज्यादा वीडियोज भी देखते हैं, तो क्या है ना कि वो यहाँ पर आकर उनका ऐसा ना लगे कि यार हम गलत जगह पर आ गए, तो उनको पहले बता दिया जाए कि यार हाँ ये काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, आपको यहाँ पर अच्छा माहौल मिलने वाला है, तो उनको लगता होगा कि हाँ हम यहाँ पर अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हैं या फिर मौज मस्ती कर सकते हैं मेरी तरह कैंपस में जाकर, तो आपको वहां पर पता चल जाना है सब कुछ। तो इसलिए बोल रहा हूँ, देखो इतनी दूर से हो तो कैंपस विजिट करने के लिए तो मत आना, मेरी ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगी, और आसपास के हो तो आ जाना भाई, काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज है। और मैंने बनस्थली विद्यापीठ छोड़कर जितनी भी यूनिवर्सिटीज बताई है वो सभी गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक सुबोध कॉलेज है, उसमें सिर्फ स्पेशल गर्ल्स के लिए भी कॉलेज है एक, और एक दोनों के लिए है, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है। तो आप जाओ तो अपने सारे डाउट क्लियर कर लेना है वहां पर वन बाय वन, क्योंकि यार आपको पढ़ना है तो डाउट तो आप ही क्लियर करोगे कि कितना पैकेज लगना है मेरा, एवरेज प्लेसमेंट यहाँ का कितना है, क्या फीस है, मेरे को स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो सभी आपको वहां पर ए टू जेड बता देंगे, उनके बैठे रहते हैं यार काउंटर पर, जो भी आपको काउंसलिंग देगा काउंसलर वो आपको सारे डिटेल्स बता देगा। तो आप आओ इनमें देखो एक बार विजिट करो। और दूसरी बात यार, मेरे पास काफी ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि भैया आपने इस वीडियो को बनाने के लिए पैसे तो नहीं लिए हैं, तो यार देखो मेरे को कोई पैसे नहीं मिलते किसी भी चीज के। ठीक है, मेरा तो ऐसा, अगर मेरे को पैसे देने लगे कॉलेज वाले तो फिर तो मैं यूट्यूब पे वीडियो किस लिए बनाऊंगा बताओ, मैं तो ऐसे ही कमा लूंगा फिर, इनकी अच्छा अच्छा ही कर दूंगा। तो इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ, देखो ना इसमें कोई अच्छाई है ना इसमें कोई बुराई है कॉलेज की, क्योंकि अगर बुराई की तो कॉलेज वाले मेरे को बोलेंगे, और अच्छाई की तो आप इसमें अगर गलत जगह पर आप फंस गए कॉलेज में आकर तो आप मेरे को बोलोगे। तो इसलिए मैं तो सबसे पहले ही बोल दिया था भाई, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लो तो आओ पहले विजिट करो, खुद एनालाइज करो यूनिवर्सिटी का, और उसके बाद में डिसाइड करो कि आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना, क्योंकि लाइफ आपकी है, 3 साल या 4 साल आपको यहाँ पर बिताने हैं। ठीक है, आपको इस माहौल में आप ढल भी पाओगे या नहीं ढल पाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप यहाँ पर आकर इसको पूरी को विजिट करके और पूरी को एनालिसिस करके अपने सारे डाउट्स क्लियर करके, ठीक है, एक दो पर और आके सारी को देख लेना, उसके बाद एडमिशन लेना इन सभी यूनिवर्सिटीज में। मैं फिर वन बाय वन डिस्कस कर देता हूँ जयपुर में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, और भी यूनिवर्सिटीज है यार, काफी छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज है पर मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि यार वो इतनी छोटी है कि आपको पसंद भी नहीं आएंगी। ठीक है, और आप उनमें जाना पसंद भी नहीं करोगे। जितनी भी मैंने यूनिवर्सिटीज बताई इनका कैंपस भी काफी अच्छा है और इनका प्लेसमेंट पैकेज भी अच्छा काफी अच्छा लग जाता है, इंजीनियरिंग कॉलेज है सारी की सारी, तो आप इनमें आराम से अपना मतलब एक अच्छा पैकेज लेकर यहाँ से निकल सकते हो। और बाकी छोटी मोटी कॉलेज तो आपको सभी को पता ही होती है, हर एक स्टेट में हर एक जगह पर होती है, तो उनका तो कोई नाम लिया भी नहीं जाता है।
ठीक है। हाँ, और कोई कॉलेज छूट गई होगी तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बोल देना, और अगर आपको इनके डिटेल एनालिसिस रिव्यू चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल देना, वो भी मैं आपको दे दूंगा। और अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे को मैसेज कर देना। अब मैं भाई वन बाई वन करके इन सभी को एक बार फिर दोबारा से बता देता हूं। तो सबसे पहले नंबर पर अपन बात करेंगे सुबोध कॉलेज के बारे में, ठीक है। सुबोध कॉलेज है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर JECRC है, आप उसको विजिट कर सकते हो। अगर कोई बंदा बाहर से आता है और एक दिन में सभी कॉलेजेस घूमना चाहता है तो एक दिन में आराम से सभी कॉलेजेस घूम सकता है। जयपुर इतना बड़ा नहीं है कि आपको कॉलेज मिलने में प्रॉब्लम होगी, आराम से आप एक बस में बैठोगे, सारी कॉलेजेस के रास्ते वहीं से जाते हैं, ठीक है। आप सारी कॉलेजेस विजिट कर लोगे वहां से। थर्ड नंबर पर क्या आती है, थर्ड नंबर पर अपनी JNU है, JNU के बाद फोर्थ नंबर पर VGU, VIT, ठीक है। और क्या बोलते हैं, फिफ्थ नंबर पर आप पूर्णिमा को ले सकते हो, और सिक्स नंबर पर सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी, सेवन नंबर पर आप ले सकते हो सेंट विल्फर्ड कॉलेज को, इसके अलावा कोई कॉलेज नहीं है। हाँ, और जो गर्ल्स के लिए स्पेशली जो कॉलेज है वो बनस्थली विद्यापीठ, तो आप उसको गर्ल्स के लिए प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये सारी जयपुर की कॉलेजेज हो गई। यार थोड़ी लंबी वीडियो हो गई मेरे को पता है, मैंने आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मेरी सीक्रेट वाली भी बता दी है, ऐसा कुछ नहीं है यार, ठीक है। आप सभी आओ, विजिट करके जाओ, और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और क्योंकि यार अब मैं ऐसे ही वीडियो बनाने वाला हूँ हर चीज से रिलेटेड, कि जयपुर के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, दिल्ली के अंदर कौन सी है, गुड़गांव के अंदर कौन सी है, तो उसके लिए आपको हेल्प हो जाएगी, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए यूनिवर्सिटी ढूंढना। तो ऐसे अपन वन बाय वन कर इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, अपनी सीरीज की पहली वीडियो है, ठीक है। उसके बाद अपन सारी वन बाय वन कर इस सभी को डिस्कस कर लेंगे, जयपुर की यूनिवर्सिटीज को और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज को, सॉरी जयपुर की तो हो गई है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज को अपन कर लेंगे सीरीज में चलाकर। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए यार, और एडमिशन प्रोसेस वगैरह के बारे में यही बताएंगे यार। मैं आपको इनका रिव्यू दे दूं कि यार अब देखो मैंने विजिट तो सब कुछ किया है, जयपुर की यूनिवर्सिटीज भी मैंने घूम रखी है, दिल्ली भी घूम रखा हूं मैं, ठीक है, गुड़गांव भी मैंने सारा घूम रखा है, और उसके बाद मैं पंजाब LPU चंडीगढ़ सब में मैं जा रखा हूं, ठीक है। मैंने सारी यूनिवर्सिटी विजिट की है, ऐसा नहीं है, मैंने सारे का रिव्यू भी अच्छा कर रखा है मेरे चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा तो उनको देख लेना, मेरा खुद का ऑन आपको बताया है एक्सपीरियंस मैंने, तो उसमें आपको काफी हेल्प मिल जानी है। इसलिए मैंने आपको सोचा कि यार आपको एक वीडियो मिल जाए शॉर्ट सी, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार जयपुर की यूनिवर्सिटीज में अपने को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल है। अब काफी बच्चों को तो मतलब यही प्रॉब्लम होती है ना, जयपुर में आने के बाद यूनिवर्सिटीज का पता ही नहीं लगा पाते कि जयपुर में वास्तव में है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज। काफी बच्चों ने नाम सुना JNU, सिर्फ वो JNU विजिट करके चले गए, तो अगर आप जयपुर आ रहे हो इतनी दूर से तो सारे विजिट करके जाओ ना, क्या जा रहा है यार यूनिवर्सिटी देखने में, आप एडमिशन थोड़े ले रहे हो, आपको पसंद आएगी तभी तो आप उसमें एडमिशन लोगे ना, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जानी है। तो आप एक बार उसको सारी को विजिट करके जाना, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आपका भाई आपके साथ है, आपको डिटेल रिव्यू देगा। अगर आप कमेंट में मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तो आपको डिटेल रिव्यू मिलने वाला है, और कोर्स वगैरह के लिए भी आप मेरे को बोल सकते हो, कोर्स के लिए मैं आपको बता दूंगा कि यूनिवर्सिटी में, वरना आप यूनिवर्सिटी जाओगे तो आपको जिस कोर्स में, कोई ऐसा तो है नहीं कि आप अलग अलग कोर्स में घर से सोच के चला बीटेक के लिए और पहुंच के BSc में एडमिशन लेने के लिए, ऐसा तो कोई नहीं होगा ना, सभी सोच के तो आपने बीटेक किए होंगे, तो बीटेक में एडमिशन लेने के लिए वहां पर बैठे हैं, काउंसलर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और यार प्लीज ये कमेंट मत करना कि भैया आपने इन यूनिवर्सिटीज का नाम लेने के लिए भी पैसे लिए हैं, तो यार मेरे को पैसे कौन देगा ये बता दो, मैं इतना बड़ा यूट्यूबर हूं क्या मेरे को कोई पैसे दे देगा यार, आपकी हेल्प के लिए तो ये इतनी मेहनत करता हूं, वरना मेरे को क्या फर्क पड़ता है यार, ठीक है। तो ये कमेंट बिल्कुल भी ना करना यार, क्योंकि बहुत गंदा लगता है यार, और कोई देखता है और कमेंट करोगे ना तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं रिमूव कर दूंगा आपका कमेंट, और तो कुछ नहीं होगा ना इससे ज्यादा, तो इसलिए कमेंट ना ही करे तो बेटर है, ठीक है। क्योंकि यार मेरे को मोटिवेट करोगे ना तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा, हर कॉलेज से रिलेटेड, हर स्टेट में, हर सिटी में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, कौन सी टॉप है, कौन सी टॉप नहीं है, किसका पैकेज सबसे हाई है, किसका पैकेज सबसे लो है, आपकी फीस किस में कम लग जानी है, फीस किस में ज्यादा लगेगी, सभी फील्ड से रिलेटेड आपको वीडियोज मिलेंगे, क्योंकि अपना चैनल उसी चीज से रिलेटेड है, तो उसी चीज से आपको बताऊंगा। और तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हैव ए गुड डे, जय हिंद जय भारत।